हाय, मैं हूँ विनोद यादव। वेलकम बैक टू चैनल। और सबसे जरूरी बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोशिश एक अच्छा इंसान बनने की और कोशिश बहुत सारा पैसे कमाने की। तो बहुत से लोगों के सवाल थे कि टीवी एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों देखिए, फ़र्क तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए टीवी की जो एक्टिंग रहती है वहाँ भी एक्टर पूरा ईमानदारी से काम करते हैं, और फिल्म की जो एक्टिंग रहती है उसमें भी। लेकिन क्या होता है कि टीवी की एक्टिंग रहती है वहाँ पे एक्टरों को फटाफट से एपिसोड शूट करके देना रहता है, उन्हें फटाफट डायलॉग याद कर बना के देना रहता है। तो टीवी एक्टिंग में कैसा क्या होता है कि वो एक एपिसोड को वो 2-3 दिन में शूट करके उन्हें देना रहता है। और अपना मूवी में कैसा रहता है कि फिल्म लाइन में कि फिल्म में वो 1 मिनट का जो सीन है उसे वो लोग 2 या 3 दिन लगाते हैं करने के लिए। तो वहाँ पे डायलॉग को पूरा एपिसोड शूट करना है टीवी में, और यहाँ पे एक सीन जो 1 मिनट के आसपास है उसे 2-3 दिन लेते हैं। तो वहाँ पे एक्टर को टाइम ज़्यादा मिलता नहीं, फटाफट से डायलॉग याद करना है, फटाफट से बोलना है। लेकिन फिल्म लाइन में थोड़ा टाइम मिलता है, क्योंकि बार बार जैसे जब तक आपका बेस्ट ना निकले तब तक वो आपका सीन लेते रहते हैं फिल्म लाइन में। तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे क्या फ़र्क होता है, तो यही फ़र्क है। लेकिन एक्टिंग देखो दोनों में पूरा ईमानदारी से करनी पड़ती है, ये तो बात है। तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे, तो यही था छोटा सा वीडियो। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।